हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल डूइंग वेल और घर पे सेफ होंगे. गाइस, एज वी ऑल नो कि कोरोना वायरस की वजह से सबको घर पे रहना पड़ रहा है, तो इसकी वजह से स्कूल कॉलेजेस वगैरह बंद है, तो अभी सब ऑनलाइन चल रहा है. तो मैंने भी इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन सेशन स्टार्ट किया है. अभी मैंने क्लास 10th के लिए साइंस के लिए स्टार्ट किया है. अगर आप में से कोई भी आपके नोन में या आप खुद ऐसे स्कूल के स्टूडेंट हैं, क्लास 6 से लेके 10th तक के आप कोई भी सब्जेक्ट्स के लिए मेरे को मेरे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं. अगर आप लोगों को उसके लिए लाइव सेशन चाहिए तो मैं उसके लिए PPT तैयार कर दूंगी. आपको बहुत अच्छे तरीके से इन PPT के थ्रू पढ़ाया जाएगा, सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा. मैं अपने पूरे सेशन के बारे में आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ. सो लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, मैं आपको लास्ट में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊंगी. सो लेट्स बिगिन. जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपना जो चैप्टर है साइंस के, वो उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. फर्स्ट इज़ केमिस्ट्री, सेकेंड वन इज़ बायोलॉजी, थर्ड वन इज़ फिजिक्स एंड फोर्थ वन इज़ मिसलेनियस. मिसलेनियस मैंने एक अलग से टॉपिक रखा है क्योंकि कुछ लास्ट के 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जो ना तो पूरे बायोलॉजी में आते हैं, ना फिजिक्स में, ना केमिस्ट्री में आते हैं. सो उन चैप्टर्स को मैंने अलग से डिवीजन दे दिया है, दैट इज़ मिसलेनियस. मिसलेनियस के जो चैप्टर्स हैं गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है. इनसे बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स के क्वेश्चन डायरेक्टली ही आ जाते हैं. तो ये जो 3 चैप्टर्स हैं लास्ट के, ये बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल बेस है. अगर आप इसमें से थ्योरी भी लर्न कर लेते हैं तो आप खुद से भी बना के लिख सकते हैं. ये सब हमारा जो डेली की रूटीन चीज़ें हैं उन्हीं चैप्टर से रिलेटेड है. तो एक बार अगर आप उस चैप्टर्स को पढ़ लोगे तो आप खुद से भी बना के लिख सकते हैं. सो मैं आगे चलती हूँ. फर्स्ट है केमिस्ट्री. केमिस्ट्री में मैंने चैप्टर्स जो हैं वो डिवाइड किए हैं. कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं केमिस्ट्री में? फर्स्ट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, सेकंड वन इज एसिड बेस एंड सॉल्ट, थर्ड वन इज मेटल एंड नॉन मेटल, फोर्थ वन इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, फिफ्थ वन इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. नाउ फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं हमारे? लाइट, लाइट के अंदर क्या है? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. दोनों टर्म्स में बहुत अंतर है, जो कि मैं अपने जब चैप्टर आपको कराऊंगी तब आपको उसमें चैप्टर में बताऊंगी. सेकेंड वन इज ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड. इस चैप्टर के थ्रू हम ह्यूमन आई के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में पता करेंगे. थर्ड चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी एंड द फोर्थ इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. गाइज, जैसा कि आप देख सकते हैं, PPT के थ्रू पढ़ाना बहुत ज़्यादा इंट्रैक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ें यूज़ करनी पड़ती है. सो बहुत ज़्यादा अच्छे सेशंस होने वाले हैं, सो एंड तक ज़रूर बने रहिए. अब है बायोलॉजी. बायोलॉजी में हमारे चैप्टर्स कौन कौन से हैं? लाइफ प्रोसेस, सेकेंड इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, थर्ड वन इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रीप्रोड्यूस, फोर्थ वन इज हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन. एवोल्यूशन मीन्स जैसे पास से अब तक प्रेजेंट में क्या क्या चीज़ें डेवलप हुई हैं, तो उन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं. अब मिसलेनियस की जैसे मैंने आपसे स्टार्टिंग में बात की थी, तो उसके जो चैप्टर्स हैं वो चैप्टर्स हैं सोर्स ऑफ एनर्जी, आवर एनवायरमेंट एंड थर्ड वन इज मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये बहुत ज़्यादा थियोरटिकल बेस्ड चैप्टर्स हैं. अगर आप इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से एक बार थोरोली रीड भी कर लोगे तो बहुत अच्छे से आप स्कोर कर सकते हैं. सो ये तो हो गए चैप्टर्स की बात. अब आगे बढ़ते हैं हम. अब मैंने जो है अपने पूरे सेशन के बारे में आप लोगों को इस स्लाइड के थ्रू बताना चाहा है कि पूरे कोर्स के थ्रू क्या क्या होगा. सो फर्स्ट जो है, अगर जो मैं लाइव सेशन दूंगी, लाइव सेशन में क्या होगा, फुल एक्सप्लेनेशन होगा जो भी चैप्टर उस डे पे पढ़ाया जाएगा. बच्चे को जो भी मेरे पास स्टूडेंट अप्लाई करेगा, वो उसको 1 आवर जो है वो पर्सनली प्रोवाइड किया जाएगा थ्रू ऑनलाइन. सेकेंड वन जो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे NCERT के, कि अगर बच्चा जो है वो ज़्यादा चीज़ें नहीं कर सकता है तो सेलेक्टिव क्वेश्चंस भी स्टूडेंट को बताए जाएंगे कि एटलीस्ट वो इतने क्वेश्चंस कर ले तो वेल एंड गुड है उसके लिए. थर्ड है सॉल्यूशन ऑफ NCERT इन टेक्स्ट और बैक क्वेश्चंस. मतलब सॉल्यूशन सारे मिल जाएंगे, आप लोगों को बिल्कुल भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है. चाहे वो इन टेक्स्ट क्वेश्चन हो, चाहे वो बैक क्वेश्चन हो, आपको सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे. उसके बाद मैंने ये स्लाइड्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर की है. उसमें क्या होगा, जब भी चैप्टर आपका खत्म होगा तो मैं एक स्लाइड ऐसी प्रोवाइड करूंगी PPT की, जिसमें आपकी MCQ क्वेश्चंस होंगे. जो क्वेश्चंस है वो लगभग 10 और 15 है. किसी चैप्टर्स में 10 क्वेश्चंस बने हैं, किसी में 15 क्वेश्चन बने हैं. MCQ मैं आपको इसलिए प्रोवाइड कर रही हूँ क्योंकि हमारे बोर्ड में भी मैंने देखा है कि 20 मार्क्स के जो होते हैं वो MCQs आते हैं. मतलब MCQs हमारे साइंस के चैप्टर्स में आते ही हैं, बोर्ड के एग्जाम में
में आते ही हैं, तो एमसीक्यू अगर हम स्टार्टिंग से ही उनकी प्रैक्टिस करके चलेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा वेल एंड गुड होगा। सो इसलिए मैं हर चैप्टर के बाद एक स्लाइड जो है पीपीटी की वो एमसीक्यू की आपको प्रोवाइड करूंगी। उसके बाद क्या होगा, जब ये सब चीज़ें हो जाएंगी उसके बाद मैं आपको छोटा सा टेस्ट प्रोवाइड करूंगी। उससे क्या होगा, आप लोगों की जो भी चैप्टर आप लोगों ने पूरे वीक में जो पढ़ा है, जो उस टाइम पीरियड में पढ़ा है, वो एक बार रिवाइज हो जाएगा। मैं अपने जब स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, मैं हमेशा ऐसे ही, काफ़ी टाइम से मैं क्लासेस दे रही हूँ, सो मैंने हमेशा ऐसे ही किया है कि मैं पहले चैप्टर पढ़ाती हूँ और उसके बाद ही एक दो दिन बाद जो है वो स्टूडेंट का टेस्ट ले लेती हूँ उसी चैप्टर का, ताकि स्टूडेंट को लास्ट तक वेट ना करना पड़े और उसको जो भी अगर उसकी डिफिकल्टीज हैं या फिर वो किसी चीज़ में वीक है तो उस चीज़ को वो पहले ही ग्रैप कर लेती हूँ और उसको बताती हूँ ताकि वो उसको ठीक कर सके। अब मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी दे देती हूँ, जैसे जो पर्सनल सेशन होगा वो एक घंटे के लिए होगा। ये टाइम जो है वो मैं स्टूडेंट के साथ डिस्कस कर लूँगी, जब भी कोई स्टूडेंट मेरे साथ अगर कोई कॉन्टैक्ट करेगा तो मैं उसके साथ डिसाइड करके उनको बता दूँगी कि भाई उनके लिए क्या एक घंटा जो है वो उनको भी सूटेबल हो और मुझे भी सूटेबल हो। और 1 आवर जो है वो डेली दिया जाएगा मंडे टू फ्राइडे, और उसके बाद सैटरडे को छोटा सा टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो इस पे है, जो पेन आता है बच्चों का, ठीक है, क्योंकि ये जो सेशन होगा ये पेड सेशन होगा, तो ये उन्हीं बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा जो पे करेंगे। सो अभी ये स्टार्टिंग है, अभी बच्चा स्टार्ट हो रहा है, सो अभी के लिए जो फीस है वो 1,999 हो गया। गाइस बहुत सही फीस है, बहुत मेहनत लगेगी क्योंकि आपको 1 आवर डेली पढ़ाना, उसके बाद आपको टेक्स्ट क्वेश्चन, बैक क्वेश्चन और क्या कहते हैं आपको MCQs प्रोवाइड करना, आपको फिर उसके बाद टेस्ट भी प्रोवाइड करना। और तो इसलिए मैंने ये जो फीस रखी है बहुत ज़्यादा रीजनेबल है, ज़्यादा नहीं है, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपकी फ़ीस जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको बहुत इंटरेक्टिव वे में पढ़ाने वाली हूँ। इसमें आपको PPT के थ्रू पढ़ाऊंगी, बिल्कुल बोरिंग सेशन नहीं होगा। आप लोग PPT अगर देखोगे, मैं आपको PPT भी प्रोवाइड करूंगी सेशन के बाद, PPT आप लोगों को इतनी अच्छी लगेगी कि आप लोगों को मन करेगा पढ़ने का। सो गाइज ये फीस जो है वो मंथली है, मंथली मतलब जो भी स्टूडेंट मेरे पास आएगा उसको पहले पे करना होगा फी, और उसके बाद मंथली ये पूरा सेशन उसको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद यही होता है हर क्लास का, कि जो सबसे पहले आएगा उसको अच्छी सर्विस प्रोवाइड की जाएगी,